आपने कई बार सीपीयू के अंदर एनएम यानी कि नैनोमीटर के बारे में तो सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि सीपीयू के अंदर ये एनएम या फिर नैनोमीटर आखिर हमें क्यों बताया जाता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। मेरा नाम है निशांत और आप देख रहे हैं निशांत भारत। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अगर हम बात करें एनएम यानी कि नैनोमीटर की, तो इसका मतलब है आपके जो सीपीयू के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी कितनी है। जैसे कि मान लीजिए एक सीपीयू लेते हैं जिसके बीच में उसकी नैनोमीटर दी गई है 14 नैनोमीटर, यानी कि वो बनाया गया 14 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर, यानी कि उसके जितने सीपीयू के अंदर जितने भी ट्रांजिस्टर है, एक वैसे मान लीजिए एक सीपीयू के अंदर 1 बिलियन या फिर 1 मिलियन तक ट्रांजिस्टर होते हैं, तो आखिर एक ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी कितनी होती है उसे कहा जाता है नैनोमीटर। यानी कि मान लीजिए आपके सीपीयू में 2 ट्रांजिस्टर के बीच में कितनी दूरी है उसे बोला जाएगा नैनोमीटर। आखिर इसमें आपको क्यों बताया जाता है इसके अंदर इतने नैनोमीटर है, इसके अंदर इतने नैनोमीटर है। तो मैं बोला दूं, अगर आपके सीपीयू के अंदर जितने कम नैनोमीटर होंगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा मिलेगी, सीपीयू की पावर कंजम्पशन कम होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सीपीयू है जिसकी नैनोमीटर है 24 और एक सीपीयू है जिसकी नैनोमीटर है 8, तो देखिए जो भी आप पावर उसको देंगे तो वो उसे जो 24 नैनोमीटर की सीपीयू है उसके अंदर उस पावर को आगे ट्रांसमिट करने के लिए यानी उसे ट्रेवल करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। और अगर स्पीड की बात करें तो मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन भेजी यानी सीपीयू ने कोई प्रोसेस किया, उस प्रोसेस को 2 ट्रांजिस्टर के बीच में जाने में काफ़ी टाइम लगेगा, उससे आपकी सीपीयू की स्पीड कम होगी। अगर हम बात करें उन दोनों नैनोमीटर में यानी कि जो 14 नैनोमीटर या फिर 8 नैनोमीटर बनाए उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल करेगी वो काफ़ी फास्ट होगी, उसके अंदर एनर्जी बचेगी और उसको ज़्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, आपकी सीपीयू की स्पीड भी तेज होगी और उस छोटे सीपीयू के अंदर कई सारे और ज़्यादा नैनोमीटर यानी ट्रांजिस्टर भी लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो दूरी कम हुई तो उस ट्रांजिस्टर के अंदर जो खाली जगह बची वहाँ पर आप और ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स भी लगा सकते हैं। इससे आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ती है और साथ ही आपकी पावर कंजम्पशन कम होती है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने सीपीयू को लैपटॉप में लगाते हैं तो लैपटॉप की जो बैटरी लैपटॉप चलता है वो बैटरी पर, अगर डेस्कटॉप अगर डेस्कटॉप आपको बैटरी की जरूरत नहीं होती वो यूपीएस या फिर इन्वर्टर या फिर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पर भी चल जाता है, इसलिए उसके अंदर आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मगर जो लैपटॉप है वो चलता है बैटरी पर, अगर बैटरी की परफॉर्मेंस अगर सीपीयू आपका ज़्यादा लोड लेगा यानी कि मान लीजिए आपका सीपीयू है 75 वाट का तो वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, इसलिए वो आपकी बैटरी कम चलेगी। अगर आप उसकी बैटरी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर कम वाट का सीपीयू लगाना होगा जिससे आपकी परफॉर्मेंस कम होगी। अगर हम नैनोमीटर की बात करें यानी नैनोमीटर कम हो तो वो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा और जिससे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी लैपटॉप की और साथ में उसकी बैटरी लाइफ भी बढ़ेगी। ये होता है नैनोमीटर। अगर बात करें नैनोमीटर में ये जनरेशन की, यानी आपने कई बार सीपीयू में देखा होगा ये सीपीयू 8th जनरेशन, ये 7th जनरेशन, 6th जनरेशन, आखिर ये जनरेशन क्या होते हैं। देखिए जैसे जैसे सीपीयू के बीच की दूरी कम होती जाती है यानी 2 ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी कम होती है तो वैसे जितनी दूरी कम होती है उसी हिसाब से उसकी जनरेशन डिसाइड की जाती है। जैसे कि मान लीजिए तो पहले वाली जनरेशन में थी यानी कि 8th जनरेशन, उसके अंदर 2 ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी 14 नैनोमीटर, जो अब 9th जनरेशन है उसकी दूरी होगी 8 नैनोमीटर। ऐसे ही जितनी जनरेशन आगे चलती जाती है सीपीयू और ज़्यादा डेवलप होती जाती है, उसके अंदर नैनोमीटर कम होते जाते हैं यानी 2 ट्रांजिस्टर के बीच की दूरी कम होती जाती है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल सका होगा कि सीपीयू में नैनोमीटर क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।